हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का लेसन 7 पैकिंग करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पैकिंग यानी कि सामान का बांधना। जब भी हम किसी ट्रिप वगैरह पर जाते हैं, किसी पिकनिक पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम अपना सामान पैक करते हैं, सामान की लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन सा सामान लेकर जाना है, क्या वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब हम अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट तक हमारे माइंड में ये रहता है कि हमने वो सामान पैक किया कि नहीं किया, कौन सी पॉकेट में रखा है। तो इसी से रिलेटेड ये लेसन है पैकिंग, जिसमें जो इसके राइटर हैं जेरोम, वो भी एक ट्रिप पर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनके फ्रेंड्स के बीच में और उनके बीच में क्या क्या कन्फ्यूज़न होती है सामान को लेकर, चीज़ों को लेकर, किस तरह से वो अपना सामान पैक करते हैं, वो सारा इस लेसन के थ्रू बताया गया है। तो लेसन रीड करने से पहले बिफोर यू रीड में देखिए कि डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स। ट्रिप्स मतलब यात्राओं पर, ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, यात्राओं पर जाना आप पसंद करते हैं। What kind of trips do you enjoy most? आप किस तरह की यात्राओं को सबसे ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं, most, अधिक। How do you feel about having a pack for a trip? कहते हैं एक यात्रा पर जाने के लिए, एक ट्रिप पर जाने के लिए सामान बांधना आपको कैसा लगता है, आप कैसा अनुभव करते हैं। Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? कहते हैं कि क्या कभी किसी ट्रिप पर जाते हुए, किसी यात्रा पर जाते समय आपको ऐसा फील हुआ है, ऐसा आभास हुआ है कि आप कुछ चीज़ों को बांधना तो भूल ही गए हैं, या फिर आपको वो चीज़ें आसानी से मिल नहीं रही हैं। कांट फाइंड देम ईजिली मतलब आसानी से ढूंढ नहीं पा रहे हैं उन्हें, या मिल नहीं रही हैं। डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? कहते हैं क्या ये चीज़ आपको गुस्सा दिला देती है, आपको गुस्सा आ जाता है इस चीज़ पर, या फिर आप अपने ऊपर ही हंस पड़ते हो, आपको अपने ऊपर ही हंसी आ जाती है। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड पैक। अब इस डिस्क्रिप्शन को, इस वर्णन को पढ़ते हैं कि लेखक और उसके मित्र सामान को कैसे पैक करते हैं। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा मैं सामान पैक करूंगा। आई वुड होता है इसका मतलब, आई वुड पैक, मैं सामान पैक करूंगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, कहते हैं मैं अपनी पैकिंग पर गर्व करता हूँ। प्राइड मतलब होता है गर्व करना। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स that I feel know more about than any other person living. कहता है पैकिंग बहुत सी चीज़ों में से वो एक है जिसके बारे में मैं महसूस करता हूँ कि मैं भी अन्य जीवित व्यक्तियों से अधिक जानता हूँ। यानी कि राइटर, आई यहाँ पर यूज़ हुआ है राइटर के लिए, और राइटर का ये मानना है कि जो दूसरे पर्सन्स हैं, लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति, कहता है उनसे अधिक पैकिंग के बारे में मैं जानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ सम टाइम हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कहता है कई बार खुद मुझे हैरान करता है कि संसार में कितनी ऐसी चीज़ें हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी।
कहता है कई आई इम्प्रेस्ड, आई इम्प्रेस्ड मतलब प्रभाव डालना, आई इम्प्रेस द फैक्ट कि मैंने जो ये तथ्य है, फैक्ट है, वास्तविकता है कि जॉर्ज और हैरिस को बताया और उन्होंने कहा कि अच्छा होगा अगर वे सारा मामला मुझ पर छोड़ दें, दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली मतलब पूरी तरह से टू मी, पूरा का पूरा जो ये मैटर है पैकिंग वाला वो मुझ पर छोड़ दें। दे फेल इंटू द सजेशन, दे फेल इंटू द सजेशन विद अ रेडीनेस, रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। कहते उन्होंने मेरे सुझाव को इतनी जल्दी, रेडीली क्या होता है जल्दी से, मान लिया कि इसमें कुछ विचित्रता है, अनकैनी मतलब विचित्रता, कुछ अजीब सा है। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज ने अपने आप को स्प्रेड मतलब फैलाना, जॉर्ज ने अपने आप को फैला लिया एक आरामदायक कुर्सी पर। और हैरिस ने क्या किया, हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपनी टांगे मेज पर रखी और एक सिगार जो है, कॉक्ड मतलब सिगार को बोला गया यहाँ पर, एक सिगार उसने जला ली, सुलगा ली। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब सोचना, हार्डली मतलब मुश्किल से, वो ऐसा ही था जैसे मैंने सोचा था। वट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बोज द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। के वट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स, निसंदेह मेरा इरादा था कि मैं काम का जो जॉब यहाँ पर काम से लिया गया है कि जॉब को, जॉब का बॉस बनूँ, जॉब का निरीक्षण मैं खुद करूँ और हैरिस और जॉर्ज जो है वो मेरे डायरेक्शंस पर, निर्देशों पर सारा काम करेंगे। डायरेक्शंस होता है निर्देशों पर सारा काम करेंगे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट। कहता है बीच में कभी कभी मैं उन्हें एक तरफ हटाकर कहूँगा अरे तुम लाओ मुझे ये काम करने दो। देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। कहता है और आप ये भी कह सकते हो कि ये देखो कितना आसान काम है, और आप ये कह सकते हो कि मैं उन्हें पैकिंग करना सिखाऊंगा, टीच मतलब सिखाना। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। कहता है उनके इस मामले को इस तरह लेने में मुझे परेशान कर दिया, इरिटेट मतलब परेशान करना, इरिटेट का मतलब होता है परेशान करना। देर इज नथिंग does irritated me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। कहते ये उतना परेशान करना नहीं है जितना कि लोगों को ये देखना है कि मैं तो जब काम कर रहा हूँ, when I am
वर्किंग एंड पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, और पीपल आपके आसपास बैठे हो बिना कुछ करते हुए, तो कहते हैं ये इरिटेट करना ज़्यादा है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, कहते हैं मैं एक बार एक व्यक्ति के साथ रहा जो मुझे इसी बात पर पागल कर देता था। मैड मतलब पागल करना। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, कहते हैं वो सोफे पर लेट जाता था, लॉल मतलब लेटना, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, और मुझे घंटों काम करते हुए देखा करता था। He said it did him real good to look on at me messing about, कहता वो ये कहता था कि मुझे काम करते देखना उसे सच में बहुत अच्छा लगता है। Real good मतलब सच में बहुत अच्छा उसे लगता है। Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. कहता है अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तो खाली बैठा रहूँ और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो स्लेविंग, स्लेविंग मतलब गुलामी, या फिर काम करते देखता रहूँ उसे, गुलामी करते या काम करते हुए देखता रहूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम वट टू डू, कहता मैं चाहता हूँ कि मैं गेटअप उठूँ एंड सुप्रिटेंड, सुप्रिटेंड मतलब काम का निरीक्षण करूँ, अपने हाथों को जेब में डालकर और उसे बताऊँ कि क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, और ये जो है वो मेरा शक्ति वाला स्वभाव है, एनर्जेटिक ऊर्जा, ऊर्जावान शक्ति से भरा हुआ स्वभाव है। आई कांट हेल्प इट, इस पर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, मतलब मैं अपने इस स्वभाव को नहीं बदल सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और पैकिंग करना शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, कहता है जैसा मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा अधिक लंबा काम दिखाई दे रहा था, सीम्ड मतलब दिखाई देना। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, कहता है अंततः आखिरकार मैंने बैग पैक कर दिया और उस पर बैठा और उसे बांध दिया। स्ट्रैप मतलब होता है बांध। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, कि क्या तुम जूते अंदर नहीं डालोगे, सैड हैरिस, हैरिस ने कहा। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, मैंने घूमकर देखा, लुकड राउंड मतलब घूमकर देखना, एंड फाउंड और पाया कि आई हैड फॉरगॉटन देम, और मैं उन्हें रखना भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, निसंदेह ये बिल्कुल हैरिस के जैसा था, ऐसा ही था। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई वुड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड, ऑफकोर्स। And George laughed one of those irritating, senseless laughs of his. कहता है he couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. कहता है बिल्कुल जब तक मैंने बैग बंद कर बांध नहीं दिया, शट मतलब बंद करना, स्ट्रैप्ड मतलब बांधना, तब तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा
जैसा कि वो अक्सर करता था। और जो जॉर्ज है, जॉर्ज लाफ्ड, जॉर्ज हंसा, और उसकी जो हंसी थी वो इरिटेटिंग थी, चिढ़ाने वाली थी, सेंसलेस, सेंसलेस मतलब बकवास, बेकार, इस तरह की हंसी वो हंसा। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और ये जो चीज़ें हैं मुझे जंगली बना देती हैं, वाइल्ड, चिढ़ा देती हैं बहुत ज़्यादा और जंगली बना देती हैं। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. कहते मैंने बैग को खोला, ओपन मतलब खोला, एंड पैक्ड द बूट्स इन, और जूतों को इसमें बंद कर दिया, पैक कर दिया, और जैसे ही मैं इसे बंद करने वाला था तो एक हॉरिबल, भयानक आइडिया मतलब विचार, एक भयानक विचार मेरे दिमाग में आया, और वो विचार क्या था कि हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। आई डोंट नो हाउ इट इज़, मैं नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं किया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी वैन आई एम ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना। कहते हैं मेरा जो टूथब्रश है वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिमाग में बार बार आती है जब भी मैं यात्रा कर रहा होता हूँ, और ये जो थॉट है ये हॉन्ट्स है मतलब दुख देने वाला है, मिजरी मतलब दुख होता है, हॉन्ट्स मतलब डराने वाला। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। कहता मुझे सपना आता है कि मैंने इसे पैक किया नहीं किया, और मैं ठंडे पसीने से भरकर उठ जाता हूँ, कोल्ड परस्पिरेशन होता है ठंडे पसीने से भर जाना, और बिस्तर से निकलता हूँ और इसको ढूंढना शुरू कर देता हूँ, हंट मतलब सर्च, ढूंढना। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, पॉकेट हैंडकरचीफ मतलब जेब में रखने वाला रुमाल। कहता और मैं सुबह मैं इसे प्रयोग करने से पहले पैक करता हूँ, और इसे लेने के लिए सामान फिर खोलना पड़ता है, और हमेशा ही बैग से निकलने वाली ये आखिरी चीज़ होती है, और मैं फिर से पैकिंग करता हूँ और इसे डालना भूल जाता हूँ, और आखिरी पल में मुझे भागकर ऊपर जाना पड़ता है, अपस्टेयर्स मतलब रश मतलब भागना, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर भागकर जाना पड़ता है, और मैं इसे रेलवे स्टेशन तक अपने रुमाल में लपेट कर ही ले जाता हूँ, रैप्ड अप मतलब लपेटना। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। कहते हैं निश्चित ही मुझे अब हर मॉर्टल, क्या होता है नश्वर, नश्वर चीज़ें जो है वो बाहर निकालनी पड़ी, और ऑफ कोर्स निश्चित ही आई हैड टू टर्न सॉरी आई कुड नॉट फाइंड इट, और मुझे ये नहीं मिला, मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। आई
रमस्ट द थिंग्स अप इंटू मच द सेम स्टेट. रमस्ट क्या होता है? टटोलना. रमस्ट मतलब चीज़ों को टटोलना. मैंने चीज़ों को टटोला और ऐसी ही अवस्था में, ऐसी ही स्थिति में, सेम स्टेट मतलब सेम सिचुएशन में, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन कैओस रिग्ड. कहता है ऐसी ही स्थिति में कर दिया जैसा कि वे निश्चित ही संसार के पैदा होने से पहले थी, और जब सारे संसार में उथल पुथल, कैओस क्या होता है, अफरा तफरी, उथल पुथल मची हुई थी, फैली हुई थी. कहता है मैंने उन चीज़ों को वापस से वैसा ही कर दिया. ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन. कहता है निश्चित ही मुझे जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश 18 बार मिले, मगर मुझे मेरा अपना ही टूथब्रश नहीं मिला. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट. कहता है मैंने हर चीज़ को एक एक करके वापस डाला और उसे उठाया और हिलाया. शुक मतलब हिलाना. देन आई फाउंड इट इन साइड अ बूट. आई रीपैक्ड वंस मोर. तब मैंने उसे एक जूते के अंदर, वो मुझे मिला और चीज़ों को फिर से एक बार रीपैक किया फिर से. हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 पैकिंग का 6 पॉइंट किए थे. इससे आगे 7th पॉइंट से हम इस वीडियो में करेंगे. जो 6 पॉइंट हमने रीड किए थे उसमें हमने रीड किया था कि जो इस लेसन के राइटर है जेरोम के जेरोम, वो पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं ट्रिप पर जाने के लिए और अपने फ्रेंड्स को बैठने के लिए बोलते हैं. लेकिन जब उनके फ्रेंड्स बैठ जाते हैं तो उन्हें वो भी उस चीज़ को भी वो टॉलरेट नहीं कर पाते और फिर डिसाइड करते हैं कि वो उनको आगे की पैकिंग करने का काम देंगे और खुद आराम से उस काम, उनके काम को सुपरवाइज करेंगे. उनका टूथब्रश नहीं मिलता उनको, फिर से उन्हें सारा का सारा पैक किया हुआ बैग रीओपन करना पड़ता है और जो उनका ब्रश है, वो टूथब्रश, वो उनके एक बूट में मिलता है, उनके एक शूज़ जूते में मिलता है. और जब वो मिल जाता है उन्हें फिर से सारा का सारा सामान रीपैक करना पड़ता है. उससे आगे क्या होता है देखते हैं कि व्हेन आई हैड फिनिश्ड, कि जब मैंने काम ख़त्म कर लिया. काम ख़त्म कर लिया मतलब जो पैकिंग का काम है वो जब ख़त्म कर लिया, फिनिश कर लिया. जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द शॉप वाज इन. जॉर्ज ने पूछा कि क्या साबुन अंदर रख ली है. आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द शॉप वाज इन और वेदर इज इट वाजंट एंड आई स्लेम्ड द बैग टू एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट. जॉर्ज ने पूछा जब के साबुन अंदर रख ली है या नहीं रख ली, तो आई सेड मैंने कहा आई डिडंट केयर अ हैंग मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है. मुझे डिड नॉट केयर मतलब इस बात की कोई परवाह नहीं है कि साबुन अंदर थी या नहीं, और मैंने बैग को बंद कर दिया. आई स्लैम्ड द बैग. स्लैम्ड मतलब बंद करना, शट भी बंद करना होता है. और फिर जब उसने बैग बंद कर दिया तो उसके पट्टों को बांध दिया. स्ट्रैप्ड क्या होता है, पट्टियाँ. और पाया कि मैंने अपनी तंबाकू की जो पुड़िया है इसमें पैक कर दी थी
और मुझे इसे फिर से खोलना पड़ा। पैक्ड माई स्पेक्टिकल यहाँ पर तंबाकू की पुड़िया से मीनिंग है, एंड हैड टू रीओपन इट, और फिर से इसको रीओपन करना पड़ा, फिर से इसको खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू। कहता है इसके बाद लास्ट में आखिरकार रात के 10:05 पर बैग जो है वो पूरा पैक हो गया, और तब हैम्पर्स पैक करने ही छूट गए, हैम्पर्स को पैक करना वो भूल गया। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम, एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। तब हैरिस ने कहा कि हमारे पास जो हमारी ट्रिप है, यात्रा है, उसको शुरू करने में सिर्फ 12 घंटे से भी कम का समय रह गया है, और सोचा कि वो खुद और जॉर्ज बाकी की पैकिंग कर देंगे। ही जो है यहाँ पर, आई जो है वो यहाँ पर हैरिस के लिए आया है, क्योंकि हैरिस ये बात बोल रहा है, सॉरी, ही यहाँ पर हैरिस के लिए है, और आई जो है वो राइटर के लिए है, जैरोम के लिए, कि बाकी की पैकिंग हैरिस और जॉर्ज कर लेंगे। और मैं भी इस बात से सहमत हो गया एंड सेट डाउन, बैठ गया, एंड दे हैड अ गो, और उन्होंने अपना काम जो है वो करना शुरू कर दिया। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। कहते उन्होंने हल्के फुल्के, लाइट हार्टेड मतलब हल्के फुल्के मन से, दिल से पैकिंग शुरू की, और एविडेंटली मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से मुझे दिखाना चाहते थे। क्या दिखाना चाहते थे? कि हाउ टू डू इट, कि इस काम को, यानी कि पैकिंग के काम को कैसे करते हैं। आई मेड नॉट आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड। कहता है मैं जो है कोई इस पर कमेंट नहीं करना चाहता था, कमेंट मतलब कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, और आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा था। कमेंट होता है टिप्पणी करना। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। कहते हैं जो जॉर्ज है इस दुनिया में न हो, अर्थात अगर उसे छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट मतलब होता है, एक्सेप्शन मतलब जॉर्ज को छोड़कर, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। जो हैरिस है वो इस संसार में सबसे ख़राब पैकर होगा, यानी कि सबसे ख़राब, वर्स्ट होता है ख़राब, पैकर मतलब पैकिंग करने वाला, सामान को बांधने वाला। एंड आई लुकड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड कैटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एट्सेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। कहता है इस और मैंने क्या देखा कि प्लेटों, कपों, केतलियों, बोतलों और बर्तनों और जो मुरब्बे हैं उनको, स्टोव, केक, टमाटर आदि के ढेर को देखा, और ये फील किया, ये महसूस किया कि जो सिचुएशन है, स्थिति जो है, वो जल्दी ही एक्साइटिंग हो जाएगी, यानी कि उत्तेजनापूर्ण हो जाएगी। एक्साइटिंग का मीनिंग क्या है? उत्तेजनापूर्ण। इट डिड, ऐसा ही हुआ। इट डिड का मतलब क्या है? ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। शुरुआत उन्होंने किससे की? कप तोड़ने से की। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, यही वो पहली चीज़ थी जो उन्होंने की।
They did that just to show you what they could do and to get you interested. कहते हैं उन्होंने ऐसा किया केवल तुम्हें ये दिखाने के लिए किया कि वे क्या कर सकते थे और आपको इसमें रुचिपूर्ण रख सकने के लिए, आपका इंटरेस्ट इसमें, आपकी जो रुचि है इसमें बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it and they had to pick out the tomato with a teaspoon. कहता तब हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर रख दिया और उसे क्या कर दिया, स्क्वैश्ड मतलब कुचल दिया और उन्हें टमाटरों को एक चम्मच के द्वारा बाहर निकालना पड़ा. टीस्पून मतलब चम्मच, टीस्पून छोटी चम्मच बोलते हैं, पिक आउट मतलब बाहर निकालना, चम्मच के द्वारा उस टमाटर को बाहर निकालना पड़ा. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी. एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, ट्रोड ऑन मतलब उसने क्या किया, अपना पैर जो है वो बटर के ऊपर रख दिया, मक्खन के ऊपर. आई डिडेंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सका. बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम, लेकिन मैंने क्या किया, मैं आकर एक मेज के कोने पर बैठ गया. एज क्या होता है, कोना, कोने पर बैठ गया और उनको देखता रहा. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सैड. कहते हैं इरिटेटिंग क्या होता है, परेशान करने वाला. कहते इस चीज़ ने उन्हें और भी परेशान कर दिया. देन आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्ट्रैप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. अब उन्होंने क्या किया कि मैंने ये महसूस किया कि इस बात ने उन्हें क्या कर दिया था, नर्वस एंड एक्साइटेड, बेचैन और उत्तेजित. नर्वस का मतलब होता है बेचैन करना, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित कर देना. और चीज़ों पर पैर रख देते थे, जब भी पैकिंग करते तो अपना पैर जो है उन चीज़ों के ऊपर, स्ट्रैप्ड मतलब पैर रखना, चीज़ों के ऊपर रख देते हैं. एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को अपने पीछे रख देते थे. बिहाइंड होता है पीछे रखना. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, अब जो पाइज थी, मुरब्बे थे उनके, उनको क्या किया, नीचे रख दिया उन्होंने, नीचे के हिस्से में रख दिया, पैक कर दिया. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और जो भारी चीज़ें थी उनको ऊपर रख दिया उनके. एंड स्मैश्ड द पाइस इन, और जो वो मुरब्बे थे उनको भी स्मैश कर दिया, अंदर ही कुचल दिया पैकिंग के अंदर. दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्हें नमक, उन्होंने नमक को हर चीज़ पर बिखेर दिया. And as for the butter, I never saw two men do more with one and two pence worth of butter in my whole life than they did. कहता है और जहाँ तक मक्खन का सवाल था, मैंने ऐसे दो व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी भी एक या दो पैसे के मक्खन के लिए इतना परेशानी उठाते नहीं देखा जितना कि उन्होंने उठाई. पेंस वर्थ मतलब एक या दो रुपए के पैसों जितना जो बटर है, मक्खन है. कहता है उतने पैसे के मक्खन के लिए किसी इंसान को मैंने इतना दुखी नहीं देखा जितना कि उन दोनों को देखा. आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इन इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल. अब जॉर्ज ने क्या किया कि जब जॉर्ज ने उस मक्खन को अपनी चप्पल से उतार लिया तो उन्होंने उसे केतली में डालने की कोशिश की. कैटल होता है केतली. इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट.
कहता है ये अंदर की तरफ नहीं जाता और उससे जो कुछ उसके अंदर था वो बाहर की ओर नहीं आता था। They did scrap it out at last and put it down on a chair and Harry sat on it and it stuck to him and they went looking for it all over the room. अब इन्होंने क्या किया, केटल में नहीं आया तो उन्होंने इसे खुरच कर, स्क्रैप क्या होता है, खुरचना, खुरच कर बाहर निकाला और कुर्सी पर रख दिया जिसके ऊपर हैरिस बैठ गया और उससे स्टक हो गया, उसके चिपक गया हैरिस के बैठने से और पूरे कमरे में उन्होंने इसे ढूंढा, तलाश किया। इट विल आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेट जॉर्ज स्टार्टिंग एट द एम्प्टी सीट। जॉर्ज ने क्या कहा कि मैं ओथ होता है कसम खाना, शपथ लेना, कहता मैं कसम लेता हूँ कि मैंने उसे कुर्सी पर रखा था। जॉर्ज ने खाली सीट की तरफ घूरते हुए देखा, स्टेयरिंग होता है, स्टारिंग मतलब घूर कर देखना, एम्प्टी मतलब खाली, खाली सीट की तरफ घूमकर देखते हुए कहा। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सैड हैरिस। हैरिस ने क्या कहा कि मैंने खुद तुम्हें एक मिनट से भी कम समय पहले ये करते हुए देखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्टेड एट वन अनदर। फिर उन्होंने कमरे में घूमते हुए एक बार फिर उसको ढूंढना शुरू कर दिया और तब उन्होंने दोबारा कमरे को के सेंटर में मिले और एक दूसरे को घूरने लगे। पूरे रूम में ढूंढ कर देखा उन्होंने और वापस से सेंटर में आके खड़े हो गए और एक दूसरे को स्टेयर्ड करने लगे, मतलब घूर कर देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सैड जॉर्ज। जॉर्ज ने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण चीज़ को मैंने आज तक नहीं सुना या देखा। जॉर्ज ने कहा, हर्ड मतलब होता है सुनना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण चीज़ को। सो माइस्टीरियस सैड हैरिस, माइस्टीरियस होता है रहस्यात्मक, रहस्यमय। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड। तब जॉर्ज ने क्या देखा, हैरिस के पीछे मुड़कर गया और उसे देखा। वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली। जॉर्ज ने क्या कहा कि अरे ये तो आराम से यहाँ है, उसने गुस्से से भरकर, और जो इंडिग्नेंटली होता एक्सक्लेम्ड होता है हैरानी से, हैरानी से उसने गुस्से में भरकर देखा। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, कहाँ, हैरिस ने घूमते हुए वो चिल्लाया। स्टैंड स्टिल कांट यू रॉयड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। शांत खड़े रहो और क्या तुम नहीं खड़े हो सकते, जॉर्ज उसके पीछे भागते हुए, रॉयड मतलब होता है गरजना। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टीपॉट। उन्होंने उसे उतारा और चाय की केतली में पैक किया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफकोर्स, ऑफकोर्स मतलब निश्चित ही ये मॉन्टमोरेंसी का काम है। जो यहाँ मॉन्टमोरेंसी है वो उनके डॉग का नाम है, कुत्ते का नाम है। तो उन्होंने कहा कि इसमें निश्चित ही इन सब के लिए जो जिम्मेवार है वो मॉन्टमोरेंसी है। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे। मॉन्टमोरेंसी का ये एम्बिशन होता है, ये इच्छा होती है कि वो हर किसी के रास्ते में आए, यानी कि टांगड़ाए एंड बी स्वॉर्न एट और गालियाँ खाए, बुरी बातें सुने। इफ़ ही कैन स्क्रीम इन एनी वेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वॉन्टेड एंड बी अ परफेक्ट नॉसेंस। नॉसेंस का मतलब होता है मुसीबत। एंड मेक पीपल मैड एंड हैव, कहते हैं इफ़
ही कैन स्क्विम, कि अगर ऐसी जगह में वो स्क्विम कर सके, घूमकर बैठ सकता हो, वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ उसकी विशेष रूप से कोई ज़रूरत ना हो, एंड बी अ परफेक्ट नॉसेंस, नॉसेंस होता है तो वो पूरी तरह से मुसीबत बने, एंड मेक पीपल मैड और लोगों को पागल बना दे, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और जब तक लोग उसके सर पर चीज़ें ना थ्रोन करें, मतलब फेंके, तो उसे लगता था कि उसका दिन बेकार नहीं गया, कि उसने दिन वेस्ट नहीं किया। अगर लोगों को उसकी वजह से कोई मुसीबत होती है, कोई तकलीफ होती है, तो उसे लगता है कि हाँ, उसका दिन आज खराब नहीं गया, वेस्ट नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, स्टम्बल मतलब मजबूर करना, कि किसी को मजबूर करना कि वो, एंड कर्स हिम स्टडली फॉर एन आवर इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। कहते हैं किसी को मजबूर करना कि वो उस पर से लुढ़के और उसे लगातार एक घंटे तक गालियां दे, अब्यूज़ करे, बुरा भला कहे, एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्पलिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। कहता है उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य या इरादा है, और जब तक ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसका जो घमंड है एकदम असहनीय बन जाता है। कंसीट जो होता है उसका मतलब होता है घमंड, और अनबियरेबल मतलब असहनीय, जिसको सहन ना किया जा सके। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, आता है और आया और चीज़ों पर बैठ गया, जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इट वाज हिज कोल्ड डंप नोज दैट दे वांटेड। कहता वो आया और चीज़ों पर उसी समय बैठ गया, और जब उन्हें पैक करने की ज़रूरत थी, और वो इस पक्के विश्वास के साथ जी रहा था कि जब भी जॉर्ज और हैरिस किसी चीज़ के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो वो उनका अपना खुद का ठंडा गीला नाक ही होगा जिसकी उन्हें तलाश थी। कोल्ड नोस, कोल्ड डंप नोस, डंप गीला, ठंडा गीला नाक, दैट दे वॉन्टेड मतलब जो वो चाहते थे। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम एंड ही वरीड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स एंड गोट इन टू द हैम्पर। कहता है कि ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, उसने क्या किया, अपनी टांग को जैम में डाल दिया, और उसने चमचों को भी बिखेर दिया, टी स्पून्स को भी बिखेर दिया, एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रेड्स, और उसने ऐसा ढोंग किया, ऐसा दिखावा किया कि वो जो नींबू है वो चूहे हैं, और गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड, थैले में घुसकर तीनों को मार दिया। Kill three of them before Harris could land him with the fry pan. इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राई पैन से पीट सकता, उसने घुसकर ही तीनों को मार दिया, उसने ऐसा दिखावा किया। हैरिस सैड आई एंकरेज हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे उत्साहित किया है। आई डिडंट एंकरेज हिम, और मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया था। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एंकरेजमेंट, कहता है एक उस जैसे कुत्ते को किसी के प्रोत्साहन की ज़रूरत ही नहीं होती, आवश्यकता ही नहीं होती। एंकरेजमेंट मतलब उत्साह। और एंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। इट्स द नेचुरल
ये स्वाभाविक है और ओरिजिनल सीन वास्तविक सीन होता है पाप, बुरा काम, वास्तविक पाप है, दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, कहता है और उसके अंदर ही पैदा होता है और उसे इस तरह के काम करने को मजबूर करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, अब जो पैकिंग थी वो 12:50 पर पूरी हुई। हैरी सेट ऑन द बिग हैम्पर, हैरी जो है एक बड़े से हैम्पर पर बैठ गया, एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, उसने कहा कि मुझे आशा है कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। जॉर्ज सैड दैट इफ एनी थिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, अब जो जॉर्ज है उसने कहा कि अब जो टूटेगा टूट जाएगा, जिस थॉट ने जिस विचार ने उसे क्या दिया, कंफर्ट किया, सांत्वना दी कि जो होगा देखा जाएगा, टूटा होगा तो टूटा ही मिलेगा। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने ये भी कहा कि अब वो जो है सोने के लिए तैयार है, बेड पर जाने के लिए तैयार है। वी वर ऑलरेडी फॉर बेड, वी हम पहले ही सोने के लिए तैयार थे, बेड पर थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, हैरिस ने उस रात हमारे साथ सोना था और वो हम सब जो है वो अपस्टेयर ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड बेड्स, हमने बिस्तरों के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सैड, हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा, उसने कहा। डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे, जे अब हैरिस ने पूछा कि तुम क्या तुम अंदर की तरफ सोना पसंद करोगे या बाहर की तरफ, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ और आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा कि मैं जनरली आम तौर पर बेड के अंदर की तरफ सोना ही पसंद करता हूँ। हैरी सेड इट वॉज ओड, हैरिस ने कहा ये बात बहुत ओड है, अजीब थी। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, जॉर्ज ने कहा कि मैं तुम्हें कितने बजे जगाऊं, वेक मतलब जगाना। हैरी सेड 7, हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड नो 6, मैंने कहा नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर लिखना चाहता था, पत्र लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, कहता हैरिस और मेरे बीच इस बारे में कुछ तकरार सी हो गई, रो मतलब तकरार से मतलब है यहाँ पर, बहस होना, तकरार होना। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, और बाद में क्या हुआ, हमने जो अंतर था वो हमने वो बांट लिया और कहा कि ठीक है 6:30 बजे, 6:30 का मतलब है 6:30 बजे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, हमने कहा कि 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, और हम जब उसके पास गए तो देखा कि वो तो कुछ समय से सो रहा था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इंटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, इसलिए हमने बाथटब को वहाँ रखा और जहाँ सुबह उठने पर उसके अंदर घुस सकें और हम भी सोने चले गए। बाथटब को अपने पास रख लिया उन्होंने ताकि सुबह सीधा उसके अंदर घुस सकें, मतलब जल्दी से तैयार हो सकें, और दोनों सोने चले गए। तो ये जो लेसन था, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।